नवी मुंबई में बीजेपी के खिलाफ महाविकास आघाड़ी की एल्गार, एनसीपी और कांग्रेस नेताओं का गणेश नाइक पर हल्ला बोल। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वासी के विष्णुदास भावे सभागार में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक द्वारा आयोजित महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस खेमे के मंत्री असलम शेख और एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड ने बीजेपी नेता गणेश नाइक पर जमकर हमला बोला। मंत्री जितेंद्र आहवाड ने नवी मुंबई के गांव थानों के विकास और गर्जे पोटी घरों के प्रलंबित समस्या के लिए पूर्व मंत्री गणेश नाइक को जिम्मेदार बताया और इसके समाधान के लिए जल्द निर्णय लिए जाने का भरोसा भी दिलाया। सीमांकन करायचं, 2 किलोमीटर वरती सीमांकन वाढवायचं हा आमचा आधीचाच निर्णय होता, त्याची अंमलबजावणी आतापर्यंत का नाही झाली याची मला चौकशी करावी लागेल। हा निर्णय झालेला आहे आणि तो निर्णय आम्ही घेतला। त्यातनं पहिली गोष्ट म्हणजे गावठाणाचा FSR 4 आहे, जे नवीन डेव्हलपमेंट करणार आले, त्याचा फायदा सर्वात जास्त गावठाण आणि रोडच्या विड्थवरती डेव्हलपमेंटला त्याचा प्रीमियम अर्ध्यावर आला। असाचे चौचारी दोन दरवाजे उभे, मी कुत्र म्हणजे गावं त्यांचीच येतात, दिवाळे असो, रबाळे असो, ऐरोळी असो, गुणकुडे असो, त्या गावामध्ये जी घरं आहेत, घरं म्हणजे कुटुंब वाढत गेल्यानंतर जी आज अवघड स्थिती त्या घरांमध्ये निर्माण झाली, त्याच्यात त्यांना काहीतरी मार्ग काढून द्यावा लागेल। शेवटी त्यांच्यामुळे नवी मुंबई उभी राहिली आहे, आपण विसरतोच। वहीं महाविकास आघाड़ी सम्मेलन में शिरकत करने आए शिवसेना सांसद राजन विचारे और उपनेता विजय नाहटा ने कहा कि नवी मुंबई में जो काम उन्होंने 4 महीने में कर दिखाया है वह काम गणेश नाइक ने 25 साल में भी नहीं किया। दोनों नेताओं ने दावा किया कि मनपा चुनाव में शिवसेना के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी का ही महापौर बनेगा। इस सम्मेलन में कांग्रेस के मंत्री असलम शेख, एनसीपी नेता शशिकांत शिंदे, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक और अशोक गावड़े समेत तमाम स्थानीय नेता भी मौजूद थे। किसी हालत में आने वाला चुनाव महागाड़ी का यहाँ पे महापौर करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज के इस मेलावे के लिए खास करके गृह निर्माण मंत्री आदरणीय आवाड साहब आए थे, मुंबई के पालक मंत्री आदरणीय असलम शेख साहब आए थे और बाकी सभी नेतागण जो है, हमारे खासदार साहब है, सब लोग यहाँ पे आए थे और कार्यकर्ता का उत्साह उन्होंने बढ़ाया है। और आने वाले समय में जो वातावरण तैयार हो रहा है और भाजपा में जो नाराज है, भाजपा का ओरिजिनल जो कार्यकर्ता है उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। भाजपा का जिसने 50 साल भाजपा का काम किया है उसकी कीमत 0 हो गई है, इसलिए वो लोग परेशान हैं क्योंकि अभी पूरी सत्ता एक आदमी के हाथ में भाजपा नहीं देने के कारण वहाँ का जो नाराज बहुत बड़ा तबका है वो हमारे संपर्क और बीजेपी के खिलाफ और नवी मुंबई में घराने के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय आघाड़ी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आराम से यहाँ की सत्ता महागाड़ी के पास आएगी। अशा पद्धतीने नवी मुंबई शहरासाठी गेल्या 25 वर्षात जे काय या लोकांनी केलेलं नाही ते आम्ही 4 महिन्यामध्ये या नवी मुंबई शहरातल्या नागरिकांना देणार आहोत। आणि मग तो कोस्टल रोड असेल किंवा इतर अजूनही काही विकासाचे प्रकल्प आहेत, नवी मुंबई शहराचा विकास आम्ही ज्यावेळेला महाविकास आघाडीचा वचननामा देणार आहोत त्यावेळेला हे सर्व कामं त्यामध्ये करून त्या काही कामाला त्याची सुरुवातसुद्धा होणार आहे आणि ती कामं लवकरात लवकर आम्ही पूर्ण करणार। आम्ही टीका करण्यापेक्षा या शहरासाठी लोकांना काय देणार आहोत हे महत्त्वाचं आहे, लोकांना याच्यामध्ये इंटरेस्ट नसतो। आणि या 5 वर्षामध्ये महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून गेल्या वर्षभरामध्ये कोविड काळामध्ये केलेलं काम हे लक्षात घेता मला वाटतं एक महाविकास आघाडीचं सरकार चांगलं काम करते आणि त्याची पोचपावती ही जनता नक्की ह्या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून या नवी मुंबई शहराचा महापौरसुद्धा महाविकास आघाडीचाच होईल। फिलहाल महाविकास आघाड़ी ने कार्यकर्ता सम्मेलन और बैठकों का दौर तेज कर दिया है जो बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है। हालांकि असल में महानगर पालिका चुनाव में कौन जीतेगा यह तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।